जी हाँ दोस्तों, इसी 1 सितंबर 2024 से हमारे एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर और इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि दोनों के दाम में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2024 से यानी कि नए महीने के नए दिन से हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने अपने अपने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में सबसे बड़ी गिरावट करने का फैसला 1 सितंबर 2024 से किया है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो के अंदर इसके बारे में आपको जानकारी तो बताएंगे ही, इसके अलावा दोस्तों बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के एक और सबसे अच्छी खबर आ रही है जो कि 1 सितंबर 2024 से ये भी हमारे देश में नया नियम और न्यू रेगुलेशंस लागू होने जा रहा है। तो अगर आपके घर में भी रसोई गैस सिलेंडर है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसी महीने के बाद अगले महीने यानी कि 1 सितंबर 2024 से हमारे एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर और इसके अलावा जो कमर्शियल गैस सिलेंडर जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह में यूज होते हैं इन दोनों के दाम में हमारे केंद्र सरकार ने अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने से हमारे केंद्र सरकार ने 600 रुपए की गिरावट करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो 14.2 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर है उसके दाम में 300 रुपए की गिरावट हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है यानी कि जो 19 किलो वाला रसोई गैस सिलेंडर है उसके दाम में भी हमारे केंद्र सरकार ने 300 रुपए की गिरावट किया है। और ये दोनों सिलेंडर के दाम मिलाकर के 600 रुपए की गिरावट हमारे केंद्र सरकार 1 सितंबर 2024 से करने जा रही है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि लाखों लाभार्थियों के बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं जाता था तो 1 सितंबर 2024 से हमारे केंद्र सरकार ने ये भी सुविधा दूर कर दिया है और अब से आपके सीधे बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा हर महीने ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये दोनों बड़ी खुशखबरी हमारे केंद्र सरकार ने आम जनता को सबसे बड़ा सौगात 1 सितंबर 2024 से दे दिया है। अगर आप भी रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए महीने के नए दिन से दो दो बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तो ऐसे में आप हमें नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आप इन दोनों खबर से कितना ज्यादा खुश हैं। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई ताजा जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।